तो दोस्तों अगर आप एक फेसबुक क्रिएटर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक फेसबुक पेज बनाना होगा। अब ये जो फेसबुक पेज है आपको सही से बनाना होगा, नहीं तो आप वीडियो बनाते बनाते थक जाओगे बट आपका कोई फायदा नहीं होगा, ना ही अपना वीडियो पर व्यूज आएगा और ना ही अपना पेज को जो कि आप ग्रो कर पाएंगे। तो आपको सही से समझना है और आपको सही तरीके से अपना फेसबुक पेज बनाना है। सिर्फ और सिर्फ हमें फेसबुक पेज बनाने से काम नहीं होगा, हमें जो कि क्या करना है सभी सेटिंग को अच्छे से करना होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आप किस तरीके से एक परफेक्ट फेसबुक पेज बना सकते हैं, वो भी प्रोफेशनल तरीके से, और साथों साथ आपको सभी सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ जिससे जो कि आप अपनी वीडियो को कम समय के अंदर अपने पेज पर ग्रो कर सकते हैं, अपने पेज को वायरल कर सकते हैं। तो मेरे को बहुत सारे भाई ने कमेंट किया था कि सर फेसबुक पेज किस तरीके से हम बनाएं, सही तरीके से हमें बनाना सिखा दीजिए। इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोग डिमांड करेंगे और वीडियो ना बनाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं आप लोग को ये चीज़ बताया जाए। मैंने फेसबुक के बारे में वीडियो बनाते रहता हूँ कि आपको कॉपी पेस्ट करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन आपको समझना तो ये पड़ेगा जहाँ हम अपना वीडियो को अपलोड कर रहे हैं क्या हम सही से इस चीज़ को बनाया है कि नहीं बनाया है। अगर बनाया है तो ये जो सेटिंग वगैरह होता है सभी सेटिंग को मैंने ऑन किए हैं कि नहीं किए हैं, तो आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपको एक प्रोफेशनली तरीके से आपको फेसबुक पेज कैसे बनाना है। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किए तो ज़रूर फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं आज तक मैं आप लोगों को कभी भी नहीं बताया इंस्टाग्राम के बारे में कि आप हमें फॉलो कर लीजिए। ये चीज़ मैं आप लोगों को अभी इसीलिए बता रहा हूँ, अगर आपने फेसबुक पेज बनाया या फिर आपने वीडियो अपलोड किया या फिर अपने पेज पर कोई समस्या आ रहा है तो आप हमें सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं, मतलब जो कि आप हमें मैसेज करेंगे तो मैं आप लोगों का रिप्लाई ज़रूर करूंगा और ज़रूर करता हूँ। बहुत सारे भाई के साथ मैंने ऑलरेडी कॉल पे भी बात कर चुका हूँ क्योंकि समस्या आपका हो हमें सॉल्व करना ज़रूरी है, हमारा ये कर्तव्य होता है कि आपका समस्या हो और हमें सॉल्व करना है क्योंकि आप हमें इतना सपोर्ट करते हैं तो ये करना हमारे लिए फ़र्ज है। तो आप क्या करें, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर करिए, यहाँ पर देख सकते हैं 97wasimyt मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप यहाँ पर हमें ज़रूर फॉलो करें, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज हम सीख लेते हैं कि हमें सही तरीके से कैसे फेसबुक पेज बनाना होता है। तो अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आप फेसबुक पेज किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप इस वीडियो को आप इस तरीके से देखो ताकि आपको और दूसरा वीडियो देखने का जरूरत ना पड़े। देखो आप एक फेसबुक पेज बनाएंगे इसके लिए आपको 4-5 वीडियो देखना पड़े, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो आज मैं आप लोगों को कुछ इसी तरीके से बताने वाला हूँ, ऐसे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ताकि आपका कोई कमी ना रहे और आप जो कि अच्छे से सीख जाएंगे किस तरीके से आपको एक फेसबुक पेज क्रिएट करना है। तो आप इस वीडियो को, अगर आपने फेसबुक पेज क्रिएट करना ही चाहते हैं तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखो ताकि आपको और ज़्यादा और दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरत ही ना पड़े। तो अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे आप फेसबुक पेज क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपके पास जो फेसबुक है आप फेसबुक को ओपन करेंगे, ओपन करने से आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बनाना है फेसबुक पेज। अब फेसबुक पेज बनाने के लिए आपको जो यहाँ पर 3 लाइन देख रहे हैं, मैं आपको एरो करके सब कुछ अच्छे से दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो देख सकते हैं 3 लाइन है, आप ये 3 लाइन पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, 3 लाइन पर क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक ऑप्शन शो हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं पेज का। अब आपको करना क्या है, आपको एक पेज क्रिएट करना है, तो आपको पेज पर आपको क्लिक करना है। पेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास कोई पेज नहीं है, हो सकता है तो आपके पास पेज होंगे लेकिन आप अगर फिर भी चाहते हैं कि हम नया पेज क्रिएट करेंगे तो आप बना सकते हैं। तो आपको पेज बनाने के लिए यहाँ पर जो क्रिएट वाला ऑप्शन देख रहे हैं, आप ये क्रिएट वाला ऑप्शन में आप क्या करेंगे, क्रिएट में क्लिक कर देंगे। आपको एक नया पेज बनाना है, आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना। यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा, यहाँ पर आपको नीचे में गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा पेज नेम। अब आपको पेज नेम क्या देना है, आपको यहीं से जो कि आपको शुरुआत करने है, आपको दिमाग लगाना। अगर आपने पेज को ग्रो करना चाहते हैं, पेज से कुछ कमाना चाहते हैं तो आपको यहीं से जो कि आपको दिमाग लगाना शुरू करना है, आपको यहीं से सब कुछ सही से करना होगा। जैसे क्या करता है, आपने यूट्यूब चैनल बनाते हैं, अब यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो आप एक अच्छा सा नाम रखते हैं, सोच समझ कर जिस तरीके से आप यूट्यूब पर नाम रखते हैं सेम उसी तरीके से आप सोच समझ कर यूनिक सा एक नाम रखें जो अपना पेज का नाम है।
अपना पेज का नाम जो कि यूनिक सा रखें, ताकि आपका जो कि पेज सर्च करने में बहुत आसानी से मिल जाए। आपको कुछ इस तरीके से अपना पेज का नाम रखना है। अब पेज का नाम जैसे कि मैं यहाँ पर रख देता हूँ, जैसे कि मेरा डिजिटल बॉय ऑसिम है, तो मेरा ऑलरेडी एक डिजिटल बॉय ऑसिम पेज है, तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, कोई दूसरा एक यूनिक सा नाम यहाँ पर रख देता हूँ, जस्ट मैं आप लोगों को समझाने के लिए अपना जो भी नाम है आप यहाँ पर रखेंगे। तो देख सकते हैं मैंने अपना पेज का नाम क्या रखा, FB क्रिएटर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा। अब आने के बाद यहाँ पर आपको करना क्या होगा, आपका जो पेज का कैटेगरी है आपको यहाँ पर देना है। देखो यार, अगर आपने अपना वीडियो को लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, आप अपनी वीडियो पर व्यूज जनरेट करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहला काम क्या है कि आपका वीडियो जो कि उन लोगों तक पहुँचे। जब तक आपका वीडियो उन लोगों तक नहीं पहुँचेगा तो आपके वीडियो पर व्यूज कहाँ से आएगा, है कि नहीं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर कैटेगरी आपको सही सिलेक्ट करना है। अगर आपने कुकिंग रिलेटेड बनाते हैं तो आपको यहाँ पर कुकिंग रिलेटेड आपको कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप एक डिजिटल क्रिएटर हैं, जिस तरीके से हम लोग टेक का वीडियो बनाते हैं या फिर कोई अनबॉक्सिंग करते हैं, तो आपको डिजिटल क्रिएटर सिलेक्ट करना है। अगर आपने कोई ब्लॉगिंग करते हैं तो आपको ब्लॉगिंग सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप अच्छे से सिलेक्ट करना भाई, नहीं तो आपका वीडियो जो कि जहाँ आप भेजना चाहते, जिन लोगों तक अपना वीडियो को पहुँचाना चाहते हैं, उन लोगों तक नहीं पहुँचेगा और आपके वीडियो पर व्यूज भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूँ, तीन आपको यहाँ पर शो है, क्या है, म्यूजिशियन, बैंड, ग्रोसरी स्टोर है, हेल्थ एंड ब्यूटी है। इनमें से अगर आपका कैटेगरी नहीं है तो आपको यहाँ पर सर्च करने से मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, डिजिटल। तो यहाँ पर देख सकते हैं डिजिटल क्रिएटर आ गया। तो मैंने क्या किया यहाँ पर जो कि हो गया। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं तीन जो है कि आप यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर फिर से हम लिखते हैं डिजिटल, तो आप जो है कि कुछ इस तरीके से तीन कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके कैटेगरी के अंदर तीन चीज़ ऐसा आ सकता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं सोशल मीडिया एजेंसी, ये भी हम ऐड कर सकते हैं। फिर आप जो है कि और भी ऐड कर सकते हैं, मतलब टोटल यहाँ पर देख सकते हैं आपको अच्छे से दिया गया है, बताया गया है कि आप जो है कि यहाँ पर तीन जो है कि यहाँ पर ऐड कर पाएंगे, यू कैन एडेड अप टू थ्री। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप इसे करेंगे फिर आपको यहाँ पर क्रिएट में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जब भी मैंने पेज को बनाना शुरू किया यहाँ से, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो नीचे में क्या है, पेज हेल्थ, पेज का हेल्थ क्या है, अभी फेयर है, मतलब अभी तक पेज ठीक से नहीं बना है। हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें पेज का हेल्थ को अच्छा बनाना है। पेज का भी हेल्थ होता है भाई, अगर आपने सही से पेज नहीं बनाते हैं तो आपको यहाँ पर बताया जाएगा आपका पेज में दम नहीं है, ये चीज़ बताया जाता है। जैसे कि फेयर है, अभी मेरा पेज में उतना दम नहीं है, इसीलिए यहाँ पर यह चीज़ बता रहे हैं। हमें करना क्या है, हमें अगर अपना पेज को और भी अच्छा बनाना है तो इसके लिए हमें सब कुछ अच्छे से भरना होगा। यहाँ पर क्या है, बायो, आपको करने का है, यहाँ पर आपको बायोडाटा ऐड करना है। क्या बायोडाटा ऐड करेंगे, आप अपने पेज पर क्या दिखाना चाहते हैं, लोगों को क्या दिखाना चाहते हैं, लोग अगर आपके पेज पर आएंगे आपको, आप उनको क्या प्रोवाइड करेंगे, आपके पेज पर आने से उनको क्या देखने को मिलेगा, ये चीज़ जो है कि आपको यहाँ पर अच्छे से देना होगा। मतलब आपका पेज का बायो देना है कि हमारे इस पेज पर आपको कुछ इस तरह का वीडियो आपको मिल जाएगा, बस इतना आपको देना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कुछ बायो लिख लिया है, जो कि मैं आप लोगों को समझाने के लिए, वेलकम टू आवर पेज FB क्रिएटर, इस पेज में आपको फेसबुक रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया, अगर आपका जो भी है आप उस हिसाब से देंगे। अब यहाँ पर आता है कॉन्टैक्ट, अगर आपका कोई ऑडियंस आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपके साथ किस तरीके से कांटेक्ट करेगा, क्या आपके साथ वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट करेगा, वेबसाइट के थ्रू, या फिर ईमेल के थ्रू, या फिर आपके फ़ोन नंबर के थ्रू। अगर आप यहाँ पर अपने, आपके पास कोई वेबसाइट है तो आप यहाँ पर वेबसाइट दे सकते हैं, ताकि आपका वेबसाइट में जाके आपके साथ कांटेक्ट करें। अगर आपने ईमेल देते हैं तो आपका ईमेल में आपको कांटेक्ट करेगा। ज़रूरत पड़ सकता है, बहुत सारे क्रिएटर है जिनका ज़रूरत पड़ता है, तो यहाँ पर आपको देना है। फिर आपको नीचे में ऑप्शन क्या मिलता है, लोकेशन का, आपको यहाँ पर एड्रेस देना है। आपको एड्रेस क्या देना है, जैसे कि यहाँ पर अपना जो एड्रेस है उस हिसाब से आप देंगे। अगर आपने देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से देना है। तो जैसे कि मैंने अपना गांव का नाम दे देता हूँ, कम से कम मैं इतना दे देता हूँ। फिर यहाँ पर देख सकते हैं सिटी टाउन है, आपको ये चीज़ दे देना है। फिर आपको नीचे में ऑप्शन मिल जाता है आवर्स का, अब यहाँ पर ये आवर्स में आप क्या देंगे, आवर्स में भी आपको अच्छे से देना है। जैसे कि आपने क्या करेंगे, आपका जो ये पेज है,
आपके पेज से अगर कोई कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप कितना टाइम तक इस पेज में रहते हैं एक्टिवेट, इस पेज में आप कितना टाइम तक अवेलेबल है, नो आवर्स अवेलेबल मतलब जो कभी भी आप अवेलेबल नहीं रहते हैं, ऑलवेज ओपन मतलब जो कि आपका पेज में हमेशा ओपन ही रहेगा, और यहाँ पर स्टैंडर्ड आवर अपने अगर आपने कोई स्पेसिफिक आवर सेट करना चाहते हैं यहाँ इतने टाइम हमारा पेज में आपको मतलब जो कि एक्टिव रहेंगे हम, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे ये चीज़ सेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, जैसे कि हमारा पेज हमेशा ऑलवेज ओपन रहेगा तो ओपन ऑलवेज कर लिया मैंने, फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा कस्टमाइज योर पेज, आपको यहाँ पर लोगो और आपका चैनल का आर्ट सॉरी पेज का आर्ट आपको यहाँ पर लगाना है। अब लगाने के लिए आप क्या करेंगे, यहीं से भी लगा सकते हैं बाद में भी लगा सकते हैं, तो जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ से लगा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपना लोगो भी लगा लिया और आर्ट भी लगा लिया है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप अच्छे से बना लेना, जस्ट मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर लगा रहा हूँ। फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट में क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा कनेक्ट व्हाट्सअप टू योर पेज, अगर आपने व्हाट्सअप को अपने पेज के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहां पर अपना फ़ोन नंबर देके कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोई बिजनेस वगैरह करते हैं तो इसके लिए बहुत बेटर है, आप यहां पर क्या करेंगे अपने व्हाट्सअप नंबर देके यहां पर ऐड कर पाएंगे। अगर नहीं करना चाहते तो आप यहां पर स्किप का जो बटन देगा आप इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जो कि यहां पर मेन फंडा आता है। अब यहां पर क्या है देख सकते हैं, बिल्ड योर पेज ऑडियंस, आपको करना क्या है, आपको कुछ ऑडियंस जो कि आपको फ्री में मिल जाता है, कुछ फॉलोअर्स है कि आपको फ्री में मिल जाएगा। कैसे मिलेगा यहाँ पर देख सकते हैं, और एक चीज़ मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ, देख सकते हैं मैंने यहाँ तक इतना फेल किया और फेल करने से यहाँ पर देंगे पेज का हेल्थ जगह देख सकते हैं गुड हो गया, ठीक है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर जो इनवाइट फ्रेंड्स का ऑप्शन है इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने से यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास 197 फ्रेंड्स है, ये सबको हम चाहे तो क्या होगा फॉलोअर्स में बदल सकते हैं। कैसे, उन लोगों तक हम अपना पेज का जो कि इनविटेशन सेंड करेंगे कि भाई मैंने एक पेज बनाया है, उसको बोलना नहीं पड़ेगा। आपको करना क्या है, यहाँ पर अगर अपने सबको इनवाइट करना चाहते हो आपको सिलेक्ट वॉल पर क्लिक करना है और यहाँ पर सेंड इनवाइट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देंगे इनवाइट सेंड हो गया, तो उन सारे के पास जो कि ये पेज जाएगा, पेज का जो कि नोटिफिकेशन जाएगा, और जिनको अच्छा लगेगा वो क्या करेगा आपका पेज को फॉलो कर लेगा। फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट योर पेज, तो यहाँ पर पेज नोटिफिकेशन ऑन योर प्रोफाइल, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं एक पहला ऑप्शन है और नीचे में है मार्केटिंग प्रोमोशनल ईमेल्स अबाउट योर पेज, तो ऊपर में जो सिलेक्ट है आप उसी को रखेंगे, यहाँ पर छेड़छाड़ करने का जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके सामने आएगा, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर और कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर डन में क्लिक कर देना है। अब डन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देंगे स्विचिंग प्रोफाइल, प्रोफाइल जो कि ऑलरेडी यहाँ पर स्विच होना स्टार्ट हो गया है, मतलब जो कि यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो कि यहाँ पर पेज जो है कि यहाँ पर आ गया, पहले क्या था मेरा अकाउंट था, अभी जो कि मेरा पेज यहाँ पर शो कर रहे हैं। और कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे वेलकम टू योर न्यू पेज, अब यहाँ पर क्या हुआ मेरा पेज ऑलरेडी क्रिएट हो गया। तो यहाँ पर स्टार्ट टूर पर क्लिक करना है, स्टार्ट टूर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आएगा नेक्स्ट नेक्स्ट फिर नेक्स्ट करना है और डन कर देना है। अब यहाँ पर देंगे ये जो मेरा पेज है पेज का हेल्थ देखिए अब कितना ज़बरदस्त हो गया, गुड हो गया, मतलब जो कि मेरा पेज जो कि ज़बरदस्त एक पेज बन गया। अब यहाँ से आप क्या क्या कर पाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर सी डैशबोर्ड में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर वो सारा चीज़ आप देख पाएंगे, अपने वीडियो पर कितना व्यूज आए हैं, कितना रीच मिला है आपके वीडियो पर, सब कुछ आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं एक्सप्लोर योर ऑन, यहाँ पर स्टार विथ लेवल्स, तो यहाँ पर क्या कहते हैं स्टार्ट विथ लेवल्स पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर ये सारे चीज़ों की नया फीचर्स ऐड हुआ है, ये सारे फीचर्स को आप समझ लेना। यहाँ पर आपको क्रिएट न्यू कॉन्टेंट पर क्लिक करना है, आप क्रिएट न्यू कॉन्टेंट पर क्लिक करेंगे तो आपको ये कि लेवल ऑन कम्प्लीट हो जाएगा। फिर आपको लेवल टू कम्प्लीट करने के लिए आप नीचे में देख सकते हैं क्या क्या करना पड़ेगा, तो ये सारे चीज़ आपको करना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पर न्यू पेज गाइड्स कुछ इस तरीके से आए, गेट स्टार्ट पर क्लिक किया, फिर इसे हम क्या करते हैं बैक कर लेते हैं। यहाँ पर कमेंट योर ऑन कंटेंट, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं इसे भी हम क्या करते हैं कुछ इस तरीके से सेव कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये भी मैंने कंप्लीट कर लिया। तो आपको क्या करना है, कुछ इसी तरीके से आपको एक फेसबुक पेज क्रिएट करना है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपना फेसबुक पेज क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप चाहे तो अपना पेज को देख सकते हैं कि मेरा पेज में अगर कोई आएगा तो उसको किस तरीके से दिखेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जब भी इस तरीके से आएगा यहाँ पर जो थ्री डॉट देख रहे हैं, ये जो थ्री डॉट है, अब ये थ्री डॉट पर आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है,
व्यू एज का, अगर कोई भी बंदा अगर आपके पेज पर आएगा तो उनको किस तरीके से आपका पेज देखने को मिलेगा, तो आप खुद ये चीज़ चेक कर पाएंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, व्यू एज पर क्लिक करिए और आप यहाँ पर खुद देख लीजिए लोगों के सामने अगर आपका पेज जाता है तो उसको किस तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर किसी के सामने जाता है तो कुछ इस तरीके से पेज शो होगा, लाइक और फॉलोअर्स सब कुछ शो होगा। कोई भी अगर चाहे तो आपको लाइक कर पाएगा, कोई भी अगर चाहे तो आपको फॉलो भी कर पाएगा। और अगर आपने यहाँ पर कुछ ऐड करके रखे, कोई वीडियो वगैरह आपने बनाया है तो आपको यहाँ पर नीचे में शो हो जाएगा। तो आपको कुछ इसी तरीके से जो कि आपको एक फेसबुक पेज क्रिएट करना होता है, अब यहाँ पर अगर आपने कुछ इस तरीके से फेसबुक पेज क्रिएट कर लिए हैं तो आप बनाना शुरू कर दीजिए अच्छा अच्छा कॉन्टेंट। जितना आप अच्छा कॉन्टेंट बना सके आप बनाना शुरू कर दीजिए और यहाँ से जो कि आप पैसा कमाना शुरू करिए। अगर आपने कुछ इस तरीके से पेज बनाते हैं तो आपको रिच गारंटेड के साथ अच्छा रिच आपको देखने को मिलेगा। नॉर्मल से आप अगर फेसबुक पेज क्रिएट करते हैं उस हिसाब से आपको अच्छा रिच देखने को मिलेगा इस तरीके से पेज बनाने। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि आपको एक फेसबुक पेज कैसे बनाना होता है और आपको जो कि सभी सेटिंग को कैसे करना होता है मैं आप लोगों को पूरा डिटेल्स में बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पर कुछ इसी तरीके से इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट जो कि हमेशा के लिए अपलोड होते रहते हैं। और भी कई समस्या हैं, अगर आपके मन में कोई डाउट चल रहे हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।